हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। अकाउंट्स में अब तक हमने 5 इलस्ट्रेशन कंप्लीट किए था, अब देखते हैं 6 वाला। 6 में यहाँ पे जो भी अकाउंट्स की ज़रूरत है वो हमने बनाया है, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट्स, पीएनएल अकाउंट्स, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड लास्ट वन इज़ अ बैलेंस शीट। सो दिस इज़ अ सम, हियर इज़ अ सम डिफ़िकल्टी इन द सम। सो हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट 2 टाइप्स के यहाँ पे दिए हैं। सो हम सम स्टार्ट करते हैं। गोविंद एंड गोपाल हैज़ स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म ऑन 1/4/2016। पार्टनर्स आर एंटाइल्ड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 10% कमीशन इज पेएबल टू गोपाल ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। सो यहाँ पे ये दो एडजस्टमेंट है, 10% कमीशन का और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन 3:2। तो यहाँ पे प्रपोर्शन दिया है पीएनएल का 3:2। सो आपको पीएनएल का रेशियो दे दिया है। देर आर सर्वाइल मिस्टेक ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड पीएनएल अकाउंट्स प्रिपेयर by an unexperienced accountant. You are asked to prepare revise annual accounts from the given trading accounts, profit and loss accounts and list of assets and liabilities and other information. So यहाँ पर आपको trading and P&L accounts दिए हैं और नीचे आपको assets and liabilities की list दी है, तो आप check कर सकते हो वहाँ पर। देखो अगर book है तो open कीजिए, हम सब देखते हैं। सो आपको trading and P&L accounts दिया है, उसके नीचे लिखा है द पोजिशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 31 मार्च 2017 वॉज एज फॉलो। एसेट्स हैं यहाँ पे स्टॉक्स, डेटर्स, फर्नीचर्स, बिल्डिंग्स, कैश ऑन हैंड एंड बैंक बैलेंस। नेक्स्ट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल ऑफ गोविंद, कैपिटल ऑफ गोपाल एंड एडजस्टमेंट है, सो उसको हम टिक मार्क करेंगे। रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स ऑफ ₹2,800, तो बैड डेब्ट्स आएगा डेटर्स पे। नेक्स्ट प्रोवाइड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, मेंटेन अ बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑफ ₹7,200, सो ये सारे बैड डेब्ट्स पे ही आएंगे। एंड प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बिल्डिंग, सो फर्नीचर एंड बिल्डिंग पे टिक मार्क आएंगे। सो हमने यहाँ पे सारे के सारे एडजस्टमेंट टिक मार्क कर दिए हैं, अब हम सम स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें काफ़ी सारे मिस्टेक किए, उसको हमको सॉल्व करना है। ओके सो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, परचेस। तो हम परचेस कहाँ पे डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे परचेस। एंड अमाउंट इज 2,48,600। उसके बाद लिखा है प्लस गुड्स रिटर्न ऑफ क्रेडिट। सो गुड्स रिटर्न क्रेडिट लिखा है, अगर क्रेडिट ऐसा वर्ड यूज़ किया है तो इट्स अ सेल्स रिटर्न, तो वो क्या होता है, सेल्स में से माइनस होता है, तो यहाँ पे सेल्स लिखेंगे माइनस रिटर्न। एंड अमाउंट इज 2,400। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हम यहाँ पे क्रेडिट साइड ही लिखते हैं। एंड अमाउंट इज 50,000। नेक्स्ट वेजेस, सो वेजेस यहाँ पे आएगा, अमाउंट इज 11,200। कैरेज इनवर्ड वो भी यहाँ पे आएगा, कैरेज है ना, या एंड अमाउंट इज 8,000। कैरेज आउटवर्ड वो पीएनएल में आता है, अमाउंट इज 4,000। सैलरी भी यहाँ पे पीएनएल में 18,000। रेंट भी यहाँ पे 12,000। पोस्टेज एक्सपेंस वो भी यहाँ पे आएगा, ₹600। सनडे एक्सपेंस वो भी यहाँ पे आएगा, 1200।
टेलीफोन एक्सपेंस वो भी यहाँ पे आएगा 1600। नेक्स्ट वन इज़ गोपाल्स ड्राइंग एंड गोविंद्स ड्राइंग। तो ड्राइंग कहाँ पे आता है, कैपिटल में, तो कैपिटल में लिखेंगे ड्राइंग्स 6000 4800। सो इट्स अ डेबिट साइड, क्लियर। नाउ अब क्रेडिट साइड देखते हैं, उसमें दिया है सबसे पहले सेल्स, सेल्स लिखेंगे 3,32,400, माइनस करेंगे 3,30,000। गुड्स रिटर्न डेबिट, सो इट्स अ परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस करेंगे, परचेस रिटर्न 600 रुपीज़, सो अमाउंट इज 2,48,000। नेक्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इंटरेस्ट 600। डिस्काउंट रिसीव वो भी यहाँ पे आएगा एंड अमाउंट इज 800। नेट लॉस उसको हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे क्योंकि ये गलत दिया है उसकी वजह से। सो उसके बाद अब देखते हैं नीचे सारी की सारी एसेट्स दिए, वो हम एसेट्स लिख देते हैं अभी। चलिए एसेट्स, एसेट्स साइड लिखेंगे, सबसे पहले स्टॉक है, स्टॉक 50,000, फिर डेप्टर्स 1,00,000, इनर में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद है फर्नीचर, अमाउंट इज 20,000, बिल्डिंग 50,000, कैश 6,000, बैंक बैलेंस 24,000। लाइबिलिटी साइड देखते हैं तो वहाँ पे दिया है क्रेडिटर्स, तो लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स लिखेंगे 40,000, बिल्स पेएबल लिखेंगे 14,000। उसके बाद कैपिटल दिया है तो कैपिटल, कैपिटल में डालेंगे, लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 1,30,000, ओके। सो अब तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट फिनिश किया, पीएनएल अकाउंट फिनिश किया एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिखी। सो नाउ टर्न इज एडजस्टमेंट्स, सो चलिए एडजस्टमेंट में देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है। सो यहाँ पे लिखा है राइट ऑफ बैड डेब्ट्स ₹2,800। सो डेटर्स में से बीडीएम माइनस करते हैं 2,800, चलिए 1,00,000 में से 2,800 हम माइनस करेंगे तो कितनी अमाउंट मिलेगी, 97,200। दूसरी एंट्री बैड डेब्ट्स की कहाँ पे आती है, ओके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे बैड डेब्ट्स का पूरा टेबल, BD, BD, BDR, एक लाइन छोड़ के वापस BDR, TA, AT, फर्स्ट थ्री प्लस लास्ट वाला माइनस। सो यहाँ पे एडजस्टमेंट का आया 2,800। उसके बाद क्या बोला है, प्रोवाइड अ 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। सो देखो सबसे पहले डेटर्स में से बैड डेब्ट्स माइनस होता है एडजस्टमेंट का, उसके बाद बैड डेब्ट रिजर्व माइनस होता है और उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व माइनस होता है। यानी कि हमको ये देखना है अभी BDR हैं कि नहीं, बैड डेब्ट रिजर्व हैं कि नहीं, अगर है तो पहले वो माइनस करना है। तो उसके बाद वाला देखो एडजस्टमेंट 3, मेंटेन बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑफ ₹7,200, है ना, तो पहले वो माइनस करेंगे। सो माइनस BDR एडजस्टमेंट 7,200, सो अमाउंट इज 90,000, यहाँ पे आएगा 7,200, सो टोटल आया 10,000। अब हम डिस्काउंट रिजर्व माइनस करेंगे, डिस्काउंट रिजर्व कितना परसेंट बोला है, 2%, सो 90,000 इंटू 2%,
सो अमाउंट इज 1800 90,000 में से माइनस करते हैं 88200 और उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ जगह नहीं है इसीलिए डिस्काउंट रिजर्व 1800। ओके सो ये था बैड डेब्ट्स वाला और डिस्काउंट वाला। अब उसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बोला है प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बिल्डिंग, तो चलिए इसका डेप्रिसिएशन लगाते हैं, दोनों में से माइनस होगा 5%, 20,000 का 5% यानी कि 1,000 एंड बिल्डिंग इज 50,000, 50,000 का 5% यानी कि 2500। चलो 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19,000, 50 में से 2500 माइनस करेंगे तो 47,500। सो अब इसको हम लिख देते हैं पीएनएल के डेबिट साइड, लिखते हैं डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड बिल्डिंग 1000 2500 टोटल 3500। इज दैट क्लियर? सो वैसे हम सोचेंगे कि भाई सम फिनिश हो गया, बट नहीं हुआ है। देखो ऊपर वाला बाकी, अभी ऊपर वाले एडजस्टमेंट बाकी है ना, या उसमें लिखा है पार्टनर्स आर एंटाइल्ड फॉर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे। सो ये रहा उसका ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,00,000 का 5% कैलकुलेशन करेंगे 5,000, 30,000 का 5% 1500। यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट, गोविंद गोपाल 5000 1500 6500। अब आगे बोला है कि उसको 10% कमीशन देना है, किसको, गोपाल को, आफ्टर डिडक्शन। तो वो जब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे का क्लोज करेंगे तब आएगा। सो तब तक हम देखते हैं अगर कोई अमाउंट बाहर लिखने की रह गई है तो लिख देते हैं 3340248000। सो ऑल क्लियर हो गया। अब हम इसका टोटल लगाएंगे, चलिए सो टोटलिंग करते हैं। सो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल लगाएंगे, इसके क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 3,30,000 प्लस 50,000 3,80,000, उसमें से माइनस करते हैं 2,48,000 11,200 एंड 8,000। सो 1,12,800, इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 1,12,800। चलिए अब इसका टोटलिंग करते हैं। सो 1,12,800 प्लस 600 प्लस 800 1,14,200, चलिए उसमें से माइनस करते हैं 4,000 18,000 12,000 600 1,200 1,600 1,800 10,000 3,500। सो आएगा 61500, इट्स अ नेट प्रॉफिट। और वो यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट 61500। अब इसको क्लोज करते हैं 61500। चलिए ये जो दिया है यहाँ पे अमाउंट 61500, उसमें से हमको क्या करना है, तो अभी एक कैलकुलेशन हमारा बाकी है, एक कैलकुलेशन बाकी है ना, जो अभी मैंने आपको बोला था, कौन सा वाला था, वो कमीशन वाला, राइट। सो
कमीशन वाला हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे बोला है कि 10% कमीशन देना है और वो भी आफ्टर डिडक्शन, राइट। 10% क्या देना है कमीशन, वो भी आफ्टर डिडक्शन। सो ये 61500 है, उसमें से 6500 माइनस करेंगे, सो अमाउंट आएगा 55000। सो 50 जो 5000 है उसका 10% आफ्टर डिडक्शन देना है, तो 55000 इनटू 10 बाय 110 आफ्टर डिडक्शन, इसीलिए इज इक्वल टू कितना आएगा 5000। ये किसको कमीशन देना है, सो गोपाल को, तो लिखेंगे गोपाल्स कमीशन। ओके, सो चलिए उसको कमीशन दे देते हैं। सो लिखेंगे कमीशन 5000। यहाँ पे डेबिट हुआ तो उसके अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। अब ये मैं 61500 में से दोनों अमाउंट हम माइनस करेंगे तो मिलेगा 50000। इसको हम बोलेंगे डिविजेबल प्रॉफिट, और वो गोविंद एंड गोपाल के बीच में शेयर करेंगे। कौन सा रेशियो है, 3:2, तो 30000 एंड 20000, और वो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट 30000 एंड 20000। अब इसको हम क्लोज करेंगे। चलिए 1 लाख प्लस 5000 प्लस 30000, सो अमाउंट इज 1,35,000, 1,35,000, उसमें से 6,000 माइनस करेंगे 1,29,000, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके, चलिए अब उसके बाद देखते हैं गोपाल का, 30,000, 1,500, 5,000 एंड 20,000। सो 56500 यानी कि 56,500, उसमें से माइनस करेंगे 4,800, 51,700। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और वो यहाँ पे आएगा कैपिटल गोविंद एंड गोपाल 1,29,000, 51,700। अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। सो टोटल करते हैं 1,29,000 प्लस 51,700 प्लस 40,000 प्लस 14,000, 2,34,700। यहाँ का लगाते हैं 50,000, 88,200, 19,000, 47,500, 6,000 and 24,000. सो 2,34,700। सो ये था आज का आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। सो हम यहाँ पे जो भी सम कर रहे हैं वो आपको 2 times नोटबुक में लिखने हैं, होमवर्क में, और 1 times फेयर बुक में, तो आपको इजी रहेगा। ओके, ये आपका होमवर्क रहता है। सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।